इस दा संज्ञान लंदे हुए दिल्ली सिख गुरु प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस दी जिहड़ी हैगी आ एक बयान भी जारी किया, वह पहले तुहानूं सुणांदे आं बयान और एक लैटर भी जिहड़ा हैगा उन्होंने एक दिल्ली कमेटी वालों जो कि प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नूं लिखिया, आओ तुहानूं पहले वह बयान दिखांदे आं। बहुत ही दुखदाई घटना है, इस जिनी निंदा की जाए उन्नी थोड़ी आ। गुरबाणी उत्ते मूल मंत्र दे उत्ते इस तरह नृत्य करना, भरतनाट्यम करके ना केवल करना, फिर उसको सोशल मीडिया के उत्ते भी पाउणा। गुरबाणी ये तुरवा या तुरकी बाणी है और एक रहत मर्यादा है। जे किसी रहत मर्यादा नहीं पता, पर फिर भी यह सब नूं पता हुंदा है कि उस्तत गुरु की उस्तत करने वाली बाणी जिहड़ी उस परमात्मा की उस्तत अंदर होवे, उसनों किसी नाच नाल किसी डांस नाल जोड़ना, और वह भी राष्ट्रपति जी दे ट्विटर हैंडल उत्ते फेसबुक हैंडल उत्ते पाउणा, मैं समझदा ये बहुत ही निंदण योग आ, एक घोर बेअदबी आ। मैं कल रात भी राष्ट्रपति जी ने ट्विटर से कहा इसको तुरंत तो हटाया जाए और उन्होंने प्रबंधकों के खिलाफ आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। यही नहीं, राष्ट्रपति जी का स्टाफ भी जिम्मेवार है, वास्ते उन्होंने प्रोटोकॉल ऑफिसर हों, उन्होंने प्रोटोकॉल हों, जो प्रोग्राम उसकी पहले जानकारी लेंगे ने कि कॉन्ट्रोवर्सी तो नहीं। ये कॉन्ट्रोवर्सी की गल नहीं, ये तो साफ साफ इन्नी वड्डी बेअदबी हो रही है, बाणी की इन्नी वड्डी बेअदबी की जा रही है और फिर उसको सोशल मीडिया से पाया जा रहा है। दुनिया भर के सिखां अंदर बहुत रोस आ, बहुत गुस्सा इस गल लैके। राष्ट्रपति जी के ऑफिस में तुरंत उन्होंने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए है और उस उन्होंने के खिलाफ भी करनी चाहिए है जो प्रोटोकॉल के ऑफिसर ने राष्ट्रपति घर प्रेजिडेंट के ऑफिस अंदर जिन्होंने इसकी जानकारी राष्ट्रपति जी ने नहीं दी और पूरे प्रोटोकॉल के मुताबिक यह प्रोग्राम नहीं कराया। जी संघ जी, इस मामले से गलबात करने वास्ते साढ़े नाल दिल्ली सिख गुरु प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक जो बयान भी जारी किया और उसके अलावा एक लैटर भी जो कि प्रेजिडेंट ने लिखी है, उस बारे गल करांगे। सिरसा जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी सिरसा जी, लगातार जो कि पिछले दो साल पहले भी है मूल मंत्र के उपर डांस की एक वीडियो आई थी, बहुत ज्यादा विवाद होया सीगा। अज साउथ अमेरिका दे उपर जो 1 अप्रैल नूं जो कि प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जिहड़े चिले दे विच जांदे आ एक वीडियो आंदी हैगी आ, तुसीं उहनूं किदां देखदे? नहीं, बहुत मंदभागी घटना है, दुखदाई आ, क्योंकि जिहड़ी अलाई बाणी आ इह गुरु साहिब दे उस्तत वास्ते दित्ती आ, उस परमात्मा दी उस अकाल पुरख दी उस्तत आ, और बाणी दे उत्ते मूल मंत्र जेड़ा डांस नृत्य किया जा रहा उ किसी भी सूरत अंदर मतलब उसको स्वीकार करना तो दूर की गल, कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक गल दूसरी गल, ठीक है, पानी किसी भी धर्म की हो, किसी भी धर्म की कोई धर्म ग्रंथ हो, उसके बारे च एक मोटी तौर पर हरेक न पता हों, ठीक है, किसी मर्यादा नहीं पता, सा मर्यादा नहीं पता सिख को, पर यह हरेक न पता है कि कोई कुरान दी आयतों के उत्ते कोई नाच नहीं कर सकते फेसबुक पेज तुसी जे चेक करोगे उदे विच हजे भी वो वीडियो जिहड़ी अवेलेबल मिलदी हैगी है, तुसी इहनूं किधर तों वीडियो हटाई क्यों नहीं जांदी? नहीं
नहीं पर तुहानू लगता सर साहब जी कि जिस तरीके जो है रामनाथ कोविंद जो है ऐसे प्रेसिडेंट है जेडे कि बिहार के गवर्नर रह चुके ने और 350 साल के टाइम से उन्होंने बहुत वड्डी अपनी सेवावां जो कि दित्तियां सीगियां और बहुत प्रोग्रामा दे विच उन्होंने शिरकत भी की और अटेंड भी किए थे कई ऐसे प्रोग्राम उस दे बावजूद जिहड़ी हैगी है घटना सामने आ रही है कि इन्हें जो लंबे प्रोग्राम जिहड़े चलते रहे है 350 साल दे विच कि उन्होंने इस गल का ज्ञान या नहीं आया कि मूल मंत्र जिहड़ी हैगी उहदी जो कि इस तरीके नृत्य करना बेअदबी हुंदी आ अपने अरफाज की मैं गुरु गोबिंद साहब महाराज जी पटना साहब सेवा मिली थी उस करके राष्ट्रपति बन गए जो जो किया जाता उदो दुख हो ज्यादा लगता है कि जिन्हों नहीं पता हो ना पता हो पर जिन्होंने खुद गुरु साहब की ज्ञान हो जिन्होंने आप गुरमत के नाल जुड़े होन उन्हां लोगों के जो डिजिटल उन्होंने पेजेस उत्ते दिखाई दे रहे हैं डेफिनेटली बहुत होर गुस्से का कारण बन जाता है। ठीक है ठीक है जी ता बहुत बहुत धन्यवाद जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।